स्वाति राणा, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके लिए ये सुनहरा मौका है, और इसलिए जी बिजनेस पर आज हम चला रहे हैं अपना ये कैंपेन। फेस्टिवल सीजन बिल्डरों के लिए सबसे बेहतरीन समय माना जाता है, क्योंकि निवेशकों और प्रॉपर्टी खरीदारों को त्योहारी सीजन के बम्पर ऑफर्स का बेसब्री से इंतजार रहता है, और ज्यादातर बायर्स फेस्टिवल सीजन में ही घर खरीदना या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बैंकों ने घटाई ब्याज दरें, प्रॉपर्टी के आए अच्छे दिन, डेवलपर्स भी दे रहे हैं बम्पर डिस्काउंट। फेस्टिव सीजन में रिजर्व बैंक ने प्रॉपर्टी खरीदारों को सस्ती ईएमआई का बड़ा तोहफा दे दिया है। आरबीआई के ब्याज दरों में कटौती के ऐलान के बाद ज्यादातर बैंकों ने रेट कट की घोषणा कर दी है। बायर्स के लिए अपनी पसंद की प्रॉपर्टी लेने का यह बेहतरीन मौका है, क्योंकि ईएमआई सस्ती होने के साथ डेवलपर्स भी ढेरों ऑफर्स दे रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी एडवाइजर कंपनी squareyards.com के मुताबिक नवरात्र और दिवाली के दौरान प्रॉपर्टी मार्केट में इंक्वायरी 20-22% बढ़ती है, जबकि बुकिंग में 10-15% का इजाफा होता है। ये सिलसिला इस साल भी जारी रहने की उम्मीद है। मेरे ख्याल एक बहुत ही बढ़िया सब चीजों का कॉम्बिनेशन है। जिस टाइम जो कॉस्ट डेवलपर्स ऑफर कर रहे हैं, जो स्कीम्स जो मिल रही हैं, जो फ्रीबीज जो मिल रही है, और उसके ऊपर ये जो आरबीआई का ये जो कट है, ये डेफिनेटली जो है लोअर ईएमआई के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये सारी सिचुएशन जो है मिलके एक अच्छा फेस्टिव सीजन कस्टमर के लिए, साथ साथ डेवलपर्स के लिए और बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि डेवलपर एक अपने आप में जो है एक मदर इंडस्ट्री है। लेकिन इस साल मौका खास है, क्योंकि बैंकों ने ठीक फेस्टिव सीजन के पहले ब्याज दरें घटाई हैं। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक समेत तमाम बैंकों ने रेट कट कर दिया है। बैंकों के रेट कटौती से घर खरीदारों की ईएमआई पर सीधा असर पड़ेगा। बैंकों ने 4.5% से लेकर 0.40% तक दरें घटाई हैं। उदाहरण के तौर पर पीएनबी ने ब्याज दरों में 0.40% की कटौती की है, और अगर कोई पीएनबी से 50 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए लेता है तो उसे हर महीने 1,317 रुपए की बचत होगी। इसी तरह 20 लाख रुपए के होम लोन पर हर महीने 527 रुपए की बचत होगी। दरअसल फेस्टिव सीजन में नौकरी पेशा लोगों को कंपनियों से बोनस मिलता है, और ऐसे में उन्हें टोकन अमाउंट चुकाने में मदद मिलती है। साथ ही कई बार बैंक भी प्रोसेसिंग फीस माफ कर देते हैं। यानी अगर घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका बन सकता है, बस आपको थोड़ी पड़ताल करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई बेहतरीन मौका है अपना घर खरीदने का, घर का सपना पूरा करने का, और प्रॉपर्टी के लिए अच्छे दिन कह सकते हैं कि आ ही गए हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर केतन जोशी अहमदाबाद से और साथी अनुराग शाह मुंबई से जुड़ेंगे इस पर और चर्चा करने के लिए। उसके अलावा हमारे साथ दो गेस्ट होंगे, उनका तारुफ हम आपसे करा दें। पंकज कपूर, MD लाइसेंस फॉरेस्ट मुंबई से, और साथ ही नयन रहेजा, ED रहेजा डेवलपर्स दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 29 सितंबर को आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कईयों की मुराद पूरी कर दी थी। इंडस्ट्री खुश है, सरकार गदगद है, और रियल एस्टेट बाजार में बहार आने वाली है। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले बिल्डर्स आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर क्यों टकटकी लगाए बैठे थे, बता रही है हमारी ये रिपोर्ट। साढ़े 7 लाख मकान, कीमत 4 लाख करोड़, इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि बिल्डर्स का क्या हाल है। देश भर में बिल्डर्स के पास 7.5 लाख मकान हैं, जिनको बेचने का इंतजार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में दिल्ली NCR में 2,41,000 मकान खाली हैं, जबकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 2,05,000 मकान बिकने का इंतजार कर रहे हैं। बेंगलुरु में 1,487 मकान की इन्वेंट्री है, कोलकाता में 38,000 से ज्यादा मकानों की इन्वेंट्री है, यानी कुल मिलाकर देश में 7.5 लाख मकान बिकने का इंतजार कर रहे हैं। आरबीआई की रेट कटौती से अब रियल एस्टेट मार्केट का सेंटीमेंट सुधरने लगा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिया में बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है, और इससे निवेश करना और उसकी जो रिटर्न्स पाना जरा कठिन संभव हो रहा है। जानकार भी मानते हैं कि रघुराम राजन ने रियल एस्टेट मार्केट को ये बूस्टर डोज दिया है। ऐसा नहीं है कि केवल महंगे ब्याज की वजह से ही मकान नहीं बिक रहे थे, नेगेटिविटी इसलिए भी फैली थी
की पोजीशन डिले और कुछ बिल्डर्स की बेईमानी के चलते ग्राहकों का भरोसा कम हुआ था। भले ही उसकी वजह कुछ भी रही हो, लेकिन मंदी ने सबको सबक सिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई यहाँ पर एक बूस्टर जरूर मिला है आरबीआई ने जो दरें कम की है, और साथ साथ बैंकों ने भी अच्छा रिस्पांस देते हुए ग्राहकों को यहाँ पर एक पॉजिटिविटी के माहौल मिला दिया है कि जितना चाहे आप घर खरीदे इस फेस्टिव सीजन में। रुक करेंगे अपने गेस्ट का, जो कि हमारे साथ पैनल यहाँ पर मौजूद है, मुंबई से पंकज कपूर और हमारे साथ दिल्ली से नयन रहेजा है। सबसे पहले मुंबई का रुक करेंगे। मुंबई में यहाँ पर पंकज जी एक बेहतरीन मौका है उन लोगों के लिए जो अपना घर खरीदना चाहते हैं, वहां पर सेंटिमेंट क्या कहता है? क्या वाकई रियल एस्टेट के अच्छे दिन आ गए हैं? प्रॉपर्टी खरीदने का सुनहरा मौका आपको लगता है पंकज जी? देखिए, सेंटिमेंट्स मुंबई के लिए कभी भी खराब नहीं था, केवल ये प्रॉब्लम थी कि प्रॉपर्टी इतनी कॉस्टली हो गई थी कि कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। आज भी इतने सारे लोग हैं जो फैंसीटर हैं, जो पिछले 6 साल 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि घर वो नहीं खरीद पा रहे थे। दो तीन रीजन थे, एक तो प्रॉपर्टी के प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे, और दूसरी बात है कि जिस तरीके का इंटरेस्ट रेट का रिजिम रहा वो हायर था। एक तरीके से एक बड़ा अच्छा समागम ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट भी अब सब 10 लेवल पे आ गए। मैं तो चाहूँगा कि, और जो आउटलुक लग रहा है कि नए आने वाले 1 साल के अंदर ये शायद सब 9 लेवल आ जाए। और साथ में जो बिल्डर्स थे, जो जिस हिसाब की एक एग्जुबरेंस मूड हुआ करती थी कि चाहे इकोनॉमी चल रही है अच्छी कि नहीं चल रही है, लेकिन प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे थे वो बढ़ने बंद हो गए। तो धीमे धीमे एक अफोर्डेबिलिटी की तरफ जो है रियल्टी मूव होता हुआ दिख रहा है, और ये आपको डेटा में भी दिखेगा। इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, पिछले 2 क्वार्टर में मार्जिनल सेल्स में इम्प्रूवमेंट मुंबई के अंदर दिखाई दी है। और जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट कम होते जाएंगे और बिल्डर्स थोड़े प्राइस कम करेंगे, चाहे वो डिस्काउंट के थ्रू करें, वैसे वैसे सेल्स बढ़ेगी। तो सेंटीमेंट्स इतना बुरा नहीं है, केवल ये थी अफोर्डेबिलिटी और प्राइसेस की पैरिटी इतनी नहीं थी। तो जैसे जैसे ये पैरिटी आती जाएगी, जैसे जैसे सेल्स इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। वाकई मुंबई में सस्ते घर खरीदने का जो एक नया मौका आया है, ऑप्शन आया है, वो खुल गया है और वो और भी बड़ा हो गया है। दिल्ली का रुख करते हैं। नयन रहेजा, ईडी रहेजा डेवलपर्स हमारे साथ मौजूद हैं। नयन जी, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, यहाँ का सेंटिमेंट क्या कहता है? खाली पड़े मकान जल्दी भर जाएंगे? जी, एक्चुअली अगर आप देखें, यू नो, पहले जो तकलीफ थी जिस वजह से लोग नहीं खरीद पा रहे थे, वो ये बात है कि जो मकान बन रहे थे वो एक इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बन रहे थे, और रेट मूवमेंट भी इन्वेस्टर के तरह से ही आगे बढ़ रही थी। लेकिन जो एक्चुअल यूज़र है, जो कि हमारे देश का एक आम आदमी है, जो कि 15 लाख 20 लाख ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख का अफोर्ड कर सकता था, उसके लिए मकान नहीं बन रहे थे। पर कहीं ना कहीं गवर्नर साहब ने भी इस बात को पहचाना है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी पहचाना है, तभी जाके ये रेट कट्स भी आए हैं। ये बैंकों की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप रहा है कि उन्होंने जल्दी से रेट कट पास ऑन कर दिया है, और डेवलपर्स की तरफ से भी मेरे ख्याल से कोई भी पीछे नहीं छूटेंगे कि इस फेस्टिव सीजन में अच्छे से अच्छे डिस्काउंट्स पे एक्चुअल यूज़र्स को फोकस करते हुए अच्छी स्कीम्स और ऑफर्स दिए जाएँ, जिससे कि घर भी लोगों को मिल पाए और डिवेलपर्स की और इकोनॉमी की मूवमेंट भी आए। ओके, यहाँ पर हमारे दो रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद है ग्राउंड जीरो से, उनसे भी लोगों का सेंटिमेंट जानना चाहेंगे कि लोग क्या दरअसल चाहते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता केतन जोशी अहमदाबाद से हैं। यहाँ पर केतन, आपके पास आना चाहेंगे, आरबीआई के रेट कट के बाद अहमदाबाद के रियल्टी सेक्टर में कैसा सेंटिमेंट नजर आ रहा है? देखिए, अगर अहमदाबाद की बात करें तो काफी लंबे अरसे से बिल्डर्स और एंड यूजर्स इसी मौके की तलाश में थे कि कब भाव है, खासकर प्रॉपर्टी के जो दाम है वो कम हो। ऐसे में आरबीआई ने एक अच्छा बूस्टअप दे दिया है, जिससे कि बिल्डर और एंड यूज़र दोनों खुश है। अहमदाबाद की अगर बात करें तो 2000 से लेकर 8000 प्रति स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी मिल रही है, जो शायद ही भारत के 10 बड़े महानगर है इनमें इतनी सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही हो। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं, बिल्डर्स भी है और होम लोन प्रोवाइडर भी है, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर आरबीआई के इस कदम के बाद ओवरऑल अहमदाबाद का प्रॉपर्टी मार्केट है वो किस दिशा में जाएगा। हमें ये बताइए कि ओवरऑल क्या सिनेरियो बनेगा, पहले क्या स्थिति थी, अब आने वाले
इस फेस्टिव सीजन में और दिसंबर तक प्रॉपर्टी मार्केट में किस तरह का बूस्टअप आप देखेंगे? सी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं राजन साहब का थैंक यू कहूँगा, क्योंकि गवर्नर साहब ने ये रेपो रेट कम किया, इससे एंड यूज़र का फुटफॉल काफ़ी बढ़ गया। और दूसरा जो अपकमिंग फेस्टिवल्स है उसे लोगों को बहुत बड़ा गिफ्ट उन्होंने प्रोवाइड कर दिया कि वो एंड यूजर ज्यादा अपने घर के तरफ चले जाएंगे, यानी घर लोग आपके पास खरीदारी करने के लिए भी आते हैं कि नहीं? अभी काफी इन्वेंटरी है वो ऐसे ही खाली पड़ी है, तो क्या एंड यूजर आपके पास आते हैं? हम लोग अच्छी अच्छी ऑफर्स भी उनको देते हैं, जैसे हमारी 7-स्टार प्रॉपर्टीज अच्छी तरह अच्छे दाम में बिक रही है। ये लोएस्ट रेट जो आप बता रहे थे अभी 2000 रुपीज स्क्वायर फीट से लेके 8000 स्क्वायर फीट तक का, ये पूरे भारत में मैंने कहीं नहीं देखा है, तो उसका उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और बूस्टअप मिल गया अभी। जी केतन, वहां पर सेंटिमेंट तो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुंबई से अनुराग भी हमारे से जुड़े हैं। अनुराग शाह, अनुराग आपसे जानना चाहूंगी कि आरबीआई के रेट कट के बाद मुंबई यहां पर उसके पास और प्रॉपर्टी जो उसके आसपास में तेजी आने की उम्मीद है, इस फेस्टिव सीजन में बायर्स के लिए कैसे मौके होंगे? जी बिल्कुल, मुंबई और मुंबई के आसपास के एमएमआर रीजन में करीब 2 लाख घर है जो बिना बिके पड़े हैं, और अब जो डेवलपर्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है इस इन्वेंट्री को पूरा करने का। कुछ दिनों पहले रघुराम राजन ने भी कहा था कि जो डेवलपर्स हैं उनको इन्वेंट्री को पूरा करना चाहिए, इन्वेंट्री को कम करना चाहिए, उसके बाद ही जो है घरों की कीमतों में गिरावट आएगी। और अब इस बार अब देखें, आप पूरे साल से लेकर अभी तक करीबन 125 बेसिस पॉइंट है आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है, उसके बाद अब बैंकों ने भी उसे पास ऑन करना शुरू कर दिया। तो इस फेस्टिव सीजन में जो घर खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मौके हैं, डेवलपर्स भी हैं, कई तरह के ऑफर्स दे रहे हैं। मुंबई के अगर आप सेंट्रल रेलवे के बाहर के इलाकों की बात करें तो अंबरनाथ, कसारा और कल्याण डोंबिवली इलाके में जो करीबन 20 से 25 लाख के अंदर आपको 500 स्क्वायर फीट का 1 BHK फ्लैट मिल सकता है। अगर वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो बोरीवली से आगे वाले जो सबब है मीरा रोड भाईंदर, वहाँ करीबन 35 से 40 लाख रुपए के अंदर 600-650 स्क्वायर फीट का आपको 1 BHK फ्लैट मिल सकता है। अगर भाईंदर के आगे के जो है इलाके हैं नया गाँव, वसई, विरार, वहाँ पर जो करीबन भाव है वो 4000 से लेकर 4500 रुपये स्क्वायर फीट है, यानी 500 स्क्वायर फीट का जो 1 BHK है वो आपको 20 से 22 लाख रुपये में मिलेगा। इसके अलावा जो डेवलपर्स हैं जो मुंबई के सबर्बन इलाके हैं, जो बड़े रिहायशी इलाके जैसे मलाड़, गोरेगांव, कांदीवली, इसके अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं, जिससे जो जिसकी जो कीमत होगी करीबन 20 से 25 लाख के बीच में होगी, और उनका जो एरिया होगा करीबन वो होगा 300 से 350 स्क्वायर फीट। तो जो इस दिवाली के और दशहरे के जो फेस्टिव सीजन के अंदर जो घर खरीदने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में काफी मौके हैं। ओके, दिवाली बोनांजा यहाँ पर जरूर उनको मिलेगा जो कि अपने घर का सपना देखते हैं। पंकज, आपके पास मैं आऊंगी। मुंबई और अगर मुंबई के आसपास की जगहों की बात की जाए, ऐसे कौन से स्पॉट्स आप आइडेंटिफाई करेंगे या कहाँ पर इन्वेस्ट करना इस वक्त, कीपिंग इन माइंड जो भी एक पॉजिटिविटी बनी है मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में, अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो कि घर खरीदना चाहते हैं? देखिए, अगर आप एक अफोर्डेबल सेगमेंट में देख लीजिए तो शायद मुझे डोंबिवली, कल्याण का रीजन जो है वो एक इमर्ज होता हुआ रीजन नज़र आ रहा है, क्योंकि एक बहुत लार्ज सेगमेंट है, काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, तो वो एक नया रीजन है जो इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ पनवेल वाला भी एक रीजन है जहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा रुझान जो है डोंबिवली की तरफ रहेगा, क्योंकि वहाँ क्रिटिकल मास आ गया है तो वो रिहायशी एरिया में तब्दील हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे सप्लाई जो है वो अक्रॉस मार्केट अवेलेबल है, और आपको कांदीवली, गोरेगांव में भी अगर कम भाव में प्राइस में प्रॉपर्टी मिलती है तो वहाँ पे भी तेजी आएगी। मुझे लग रहा है कि सेंट्रल लाइन का एक ज्यादा इस जी यहाँ पर नयन रहेजा के पास चलते हैं दिल्ली। नयन, हमने ज्यादातर देखा है कि एनसीआर रीजन्स जो है वहां पर बहुत नई नई प्रॉपर्टी स्प्रिंग अप हो रही है, लोग वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर बात की जाए तो कहां पर इन्वेस्ट करना ज्यादा भी सही होगा, कीपिंग इन माइंड जो कि पॉजिटिविटी आई है मार्केट में? जी, गुड़गांव में पिछले 6-8 महीने में जो डेवलपर्स हैं उनका रुख बदला है, इंक्लूडिंग हमारी कंपनी भी और कई सारे और लोग हैं जिन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग में के नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, वो आप देख सकते हैं। थोड़ी सी काफ़ी अच्छी लोकेशंस पे भी अवेलेबल है, गोल्फ कोर्स रोड तक के ऊपर भी गुड़गांव में अवेलेबल है,
सोना में अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपको 3600 रुपये से 4000 रुपये फुट के बीच में, और वो भी कारपेट एरिया के ऊपर मकान मिल जाते हैं, जिसका मतलब कि आपको सिर्फ 15 लाख रुपए में एक 1 BHK मिल सकता है, 24-25 लाख रुपए में आपको 2 BHK मिल सकता है। तो उससे तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बूस्ट आया है, और डेवलपर्स भी पिछले 1-2 साल में ये बात को समझे हैं कि एक्चुअल यूज़र के लिए अगर सब कुछ बनाना है तो उन्हें एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल डिलीवरी करके देना पड़ेगा। Okay. और फोकस जो है वो शिफ्ट हुआ है कहीं ना कहीं डिलीवरी की तरफ, क्वालिटी की तरफ। ओके ओके। तो यहां पर ये जो अब जो फेस्टिव सीजन आया है, यहाँ पे मेरे को लगता है कि मुझे लगता है कि जो ऑफर्स दिए जाएंगे वो ऑलरेडी काफी एक साल के बाद प्रेशर के बाद दिए जाएंगे, तो इससे अच्छे ऑफर शायद आगे आने वाले टाइम में फिर से ना मिले। वाकई, तभी तो हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के लिए जो ये माहौल बना है बहुत बेहतरीन माहौल बना है, और आपके अपने घर का सपना अगर आपको पूरा करना है यही सही मौका है। तमाम गेस्ट और रिपोर्टर्स हमारे साथ जो मौजूद है वो आगे भी बने रहेंगे, इस छोटे से ब्रेक के बाद जारी रहेगी हमारी खास पेशकश। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जी बिजनेस कैंपेन, प्रॉपर्टी खरीदने का मौका। दरअसल ब्याज दरें घट रही हैं, बिल्डर भी मोल भाव के लिए अब तैयार हैं, ऐसे में ग्राहकों के सामने मकान खरीदने का अच्छा मौका पैदा हो रहा है। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई के आसपास कई और इलाके हैं जहां पर उनके लिए भी विकल्प है जो बहुत महंगे मकान नहीं खरीद पाते। शहर की सीमा से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी में कई इलाकों में सस्ते मकान के विकल्प मौजूद हैं। ब्याज की दर घट रही है और प्रॉपर्टी कीमतों में उफान भी घट रहा है, ऐसे में लोगों के लिए दिवाली अपने घर में मनाने का अच्छा मौका आ रहा है। मुंबई में भले ही कीमतें काफी ज्यादा हों, लेकिन आसपास कई इलाके हैं जहां अफोर्डेबल रेंज में तैयार प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। मुंबई में सेंट्रल रेलवे के रूट पर डोंबिवली, कल्याण और बदलापुर जैसे इलाकों में काफी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे डोंबिवली में 550 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट करीब 23 से 25 लाख रुपए में मिल जाएगा। बदलापुर में 650 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट 17 से 22 लाख में मिल सकता है। करजत में 850 वर्ग फुट का 2 BHK फ्लैट 26 से 28 लाख रुपए की रेंज में खरीदा जा सकता है, जबकि अंबरनाथ इलाके में 600 वर्ग फुट का 1 BHK करीब 20 से 23 लाख रुपए में मिल जाएगा। डेवलपर्स आर फ्लेक्सिबल, डेवलपर्स ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है टू अलाइन प्राइसेस विद मार्केट्स अफोर्डेबिलिटी, तो मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल सही मौका है घर खरीदने के लिए। और अगर आपके फाइनेंसेस आपको अलाउ करते हैं, आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट्स में मिल रही है, तो मेरी सलाह यह रहेगी कि जरूर आगे बढ़िए और घर खरीदिए, नो बेटर टाइम देन दिस। मुंबई में वेस्टर्न रेलवे के रूट पर आने वाले कई सब अर्बन इलाकों में भी बड़ी संख्या में अफोर्डेबल रेंज के प्रोजेक्ट्स हैं। मीरा रोड, भयंदर, वसई और विरार जैसे इलाकों को काफी पसंद किया जा रहा है। मीरा रोड भयंदर में 500 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट 35 से 40 लाख रुपए तक में मिल सकता है, तो वहीं वसई में 550 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट 22 से 25 लाख रुपए में मिल जाएगा, जबकि विरार में 500 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट 20 से 24 लाख रुपए में मिल सकता है। नायगांव के इलाके 600 के 1 BHK फ्लैट के लिए ग्राहकों को 22 से 27 लाख रुपए की रेंज में फ्लैट खरीदा जा सकता है। गोरेगांव, मलाड जैसे इलाके जो अब महंगे हो गए हैं, वहाँ भी डेवलपर्स अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से स्टूडियो अपार्टमेंट ला रहे हैं। अगर अफोर्डेबल या मिड सेगमेंट पे फोकस करते हैं तो उसकी टर्नओवर अच्छी है, उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक्स हैं, वो लोन देने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है। मुंबई शहर से दूर के इलाकों में कीमतें सस्ती हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कई इलाकों में अब भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना बाकी है। अनुराग शाह के साथ जी मीडिया मुंबई। अब सप्लाई भी इतनी ज्यादा हो गई है, हम आपको बता दें कि RBI ने ब्याज दरें भी घटा दी है, बैंक भी आगे ग्राहकों को ये फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में शायद कंफ्यूजन भी पैदा हो जाता है कि आखिरकार इन्वेस्ट करें तो कहाँ इन्वेस्ट करें। और यही राय लेने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। पंकज, आपके पास मैं आऊंगी सबसे पहले। कई बार जो बायर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, जब उनके सामने इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, आखिरकार इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, तो आप क्या टिप्स उन्हें देंगे कि सही इन्वेस्टमेंट के लिए और अच्छे से अच्छा ऑफर अवेल करने के लिए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, दो तीन बहुत ही अच्छे बैरोमीटर्स होते हैं एक देखने के लिए कि प्रॉपर्टी का प्राइस प्रोडक्टिव है कि नहीं है। तो उसके लिए अगर मैं देखें कि अगर आपकी रेंटल यील्ड अगर 3.5% के ऊपर की है
तो आप गलत नहीं होते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप ऐसी जगह घर खरीदिए जहाँ आप जाके रह सकते हैं। सोशल फैब्रिक होना चाहिए, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी होनी चाहिए, मार्केट होना चाहिए, तो हैबिटेबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आप वहाँ पे आज के दिन जो किराया चल रहा है उस किराए का एनुअल किराया और आज के आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को अगर आप डिवाइड करें और देखें कि वो 3.5% के ऊपर की अगर यील्ड दे रहा है तो ज़्यादातर जो है आपका भाव बिल्कुल सही होता है और आप खरीद सकते हैं। बहुत मुश्किल है वैसे, क्योंकि आज का प्राइसेस जो हैं इतने बढ़ गए हैं कि रेंटल यील्ड 2-2.5% चल रहा है जी। तो आप ये देखिए यहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं बिल्डर से और कहिए कि मुझे एक प्रोडक्टिव प्राइस आप दीजिए और मैं लेने को तैयार हूँ। ओके ओके, नयन रहेजा ऐसा ही जानना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा ऑफर अगर अवेल करना है क्योंकि अब दिवाली के टाइम पे फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, तो बिल्डर के साथ कैसे नेगोशिएट करके अच्छा से अच्छा ऑफर अवेल किया जा सकता है, आप बताइए जी। इसमें सबसे पहले चीज़ तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इस फेस्टिव ऑफर में घर खरीदने की सोच रहे हैं वो इस बात का खास ख्याल रखें कि जिस डेवलपर के साथ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक ट्रस्टवर्दी नेम है, स्पेशली अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो या तो रेडी टू मूव इन के अंदर जाएं या ऐसी प्रॉपर्टी में जाएं जो अगले एक साल में या 1.5 साल में कंस्ट्रक्शन होकर ख़त्म होती दिखती बनती है। ऑफकोर्स आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है ये सब चीज़ें ठीक हैं तो अगर डेवलपर के साथ आप अक्रॉस द टेबल बैठ के नेगोशिएट करें। मैं नहीं मानता कि ये इस टाइम पे ऐसा स्टेज है इकोनॉमी का कि डेवलपर्स खुद भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो ये एक अच्छा मौका रहेगा, पर ध्यान से प्रॉपर्टी खरीदें। तो ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन इस वक्त जो मौका है वो बेहतरीन मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज कपूर, नयन रहेजा, केतन जोशी और अनुराग शाह हमसे इस पूरी डिस्कशन में शामिल होने के लिए। तो बेहतरीन मौका प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और फेस्टिव सीजन है, बैंक ने भी तोहफा दे दिया है ग्राहकों को, तो बस देर किस बात की, जाइए और अपना मनपसंद घर अपने नाम करवाइए। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप देखते रहिए ZeeBiz।